लो आ गए हम ब्लू व्हेल टिक्की। इससे भी ज्यादा खतरनाक चैलेंज आ गया है दोस्तों, मोमो चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, क्या है मोमो चैलेंज और कैसे इसमें फंसते हैं और इससे बचने के क्या रास्ते हैं, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों मोमो चैलेंज कहा जाता है, ये आया है जापान से और फैल रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए। आपको फेसबुक या व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज किया जाता है और एक नंबर दिया जाता है, कहा जाता है कि आप इसे मोमो नाम से अपने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में ऐड कर लें। आप उसे मोमो नाम से व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट में जैसे ही ऐड करते हैं, उसकी डीपी इस तरीके से दिखाई देने लगती है, जो कि एक जापानी कलाकार मिडोरी हयासे के द्वारा बनाया गया स्कल्पचर है। दोस्तों यह डरावनी तस्वीर उस कॉन्टेक्ट की डीपी पर दिखने के बाद उस पर आपको कुछ डरावने वीडियो और तस्वीरें आने लगती है। प्रारंभ में आपको हाय हेलो जैसे मैसेज करने का चैलेंज दिया जाता है, उसके बाद कुछ खतरनाक चैलेंज दिए जाते हैं। यदि आप इन चैलेंजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मोमो के द्वारा आपको मिलती है डांट और साथ में आपको कुछ धमकियां कि आपके परिवार को या आपके भाई बहन को हम श्राप दे देंगे या उनके साथ कुछ अनिष्ट कर देंगे। उस डर में आप चैलेंज को स्वीकार करते जाते हैं और अंत में होती है मौत। जी हाँ दोस्तों, आत्महत्या तक करने को मजबूर कर दिया जाता है। दोस्तों इस गेम में खास तौर से 12 से 17 साल तक के बच्चे जो कि टीनेजर्स होते हैं वे फंस रहे हैं। दोस्तों मोमो के द्वारा कहा जाता है आपके मोबाइल का डेटा हमने चुरा लिया है और इस तरीके से आपको फिर ब्लैकमेल किया जाता है और इसके जरिए पैसे भी लूटे जा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके का यह चैलेंज है, इस चैलेंज से बचने के लिए आपको क्या करना है मैं कुछ बहुत सरल से उपाय आपको बताता हूं। यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखें कि आपका बच्चा गुमसुम सा तो नहीं रह रहा है, ज्यादा से ज्यादा समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तो नहीं चिपका है और उसके व्यवहार में कुछ बदलाव तो नहीं आ रहा। यदि ऐसा है तो आप तुरंत उसकी काउंसलिंग करें। दोस्तों इस गेम से बचने का सबसे आसान तरीका है, यदि किसी अननोन नंबर से आपको कोई मैसेज आता है तो उसको इग्नोर कर दें, उसे आप सेव ना करें। यदि आप फिर भी इस गेम के चंगुल में फंस चुके हैं तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दें। यदि आप नंबर ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स, दोस्त, रिश्तेदार, इनको सारी बातें बता दें बिना डरे। दोस्तों आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके शुभचिंतक होते हैं। आप कितना भी गलत काम करते जाएंगे हमेशा आपके साथ ही खड़े रहेंगे। यदि आपको डर लगता है कि थोड़ा बहुत वह डांटेंगे या मारेंगे तो वह मार और डांट भी आपके लिए प्यार ही होता है। दोस्तों आप उनसे क्लियर सारी बातें बता दें। यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप एक लेटर में लिखकर उन्हें सारी बातें बता दें, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इस तरीके का कोई भी व्यक्ति आपको दूर बैठकर मार नहीं सकता है। दोस्तों केवल एक डर उत्पन्न किया जाता है जो आपके दिमाग से खेला जाता है, आपको इस पोजीशन में पहुंचा दिया जाता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों इससे आसानी से बच सकते हैं, बस परिवार वालों से चर्चा कर लें यदि आप इसमें उलझ गए हैं बिना डरे बिना हिचके। और इसके बाद भी यदि मोमो नहीं मानता है तो आप सीधा उससे कह लें हम तैयार हैं, आपको जो करना है कर लें, वह कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरा दावा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकॉन के साथ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। इसी तरीके से और जानकारियों के लिए देखते रहिए ऑल इन वन टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।